हाय, आई वेलकम यू ऑल टू माय किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी, तो चलें शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले बहुत ही खुला तेल चाहिए, इनफ ऑयल चाहिए हमें, जिस पे मैंने एक वॉक लिया और करीबन 3 टेबलस्पून से ज़्यादा है तेल लिया। उसके बाद जैसे हमारा तेल गर्म हो जाए उस पर मैंने पंचफूरन ऐड किया हुआ, ये करीबन 1 टीस्पून है पंचफूरन। ये जैसे क्रैकल हो जाए, अच्छे से ये पक जाए, उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 सूखी मिर्ची ऐड की हुई हैं। ये जैसे सूखी मिर्च थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, इसका एक अच्छा अरोमा आ जाए, उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे करी पत्ते। ये हैंडफुल ऑफ करी लीव्स है, ये आप डाल लीजिए। ये बहुत ही ईजी है, इसके लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। एक मीडियम टू लार्ज साइज़ का अनियन है, वो मैंने थिनली स्लाइस कर लिया, उसको डाल दीजिए। जैसे हमारा जो प्याज है उसका कलर चेंज हो जाए, पिंक के तरफ चला जाए, उसके बाद हम इस पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। प्याज ने हल्का सा कलर चेंज कर लिया हुआ, अब इस पर हम करीबन 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसे भी थोड़ा देर पका लीजिए, जब तक कि इसका एक रॉ फ्लेवर है वो ना चला जाए। उसके बाद हम इस पर ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने करीबन 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर। ये सारी चीज़ों को भी हम थोड़ा देर से भून लेंगे, जब तक कि इसका कच्चापन ना चला जाए। मसालों को भूनने के बाद हम इस पर जो ऐड करेंगे सारी वेजिटेबल्स, यहाँ पर है मैंने 2 मीडियम साइज़ के बैंगन लिए हुए हैं। अच्छा क्वालिटी का बैंगन लीजिए ताकि ईजीली पक जाए और अच्छा इसका टेस्ट है। मैंने थिनली स्लाइस कर लिया हुआ है, देखिए एक बैंगन मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने बाकी के सारे वेजिटेबल्स डाल देने हैं और 1 गो में। यहाँ पर तुराई है, ये तुराई को मैंने करीबन मेरे पास दो से तीन बड़े बड़े तुराए थे और 4-5 परवल थे और लाइक 1/4 एक छोटा सा टुकड़ा पम्पकिन का था, उसको भी मैंने थिनली स्लाइस कर लिया। आप अपने चॉइस के वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे गोभी हो या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं, कैरेट भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़ी पटेटो ली, आलू लिया और ये अरवी है, ये 3 अरवी थे, थोड़े मीडियम साइज़ के अरवी थे, उसको मैंने अपने हिसाब से चॉप कर लिया, वो भी डाल लीजिए। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद नमक एडजस्ट कर लीजिए, फ्लेम अभी तक भी आपको हाई ही रखना है, अदरवाइज़ आपका बैंगन जो है वो ढंग से पकेगा नहीं, अंदर से वो बहुत हार्ड हो जाएगा, वो इजीली नहीं पकेगा, उसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा। तो एक टिप है, हमेशा बैंगन जब तक ना गले तब तक आप अपने फ्लेम को हाई ही रख के कुक कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर लीड तो लगा लिया हुआ था, फ्लेम अभी तक भी मेरा हाई है। अब आपको इसको गाढ़े गाढ़े इसको चलाते रहना है। देखिए हमारा बैंगन ऑलमोस्ट गल चुका है, बाकी की सब्ज़ी गले ना गले फर्स्ट बैंगन गल जानी चाहिए। देखिए अब आप इसको अब कुछ नहीं है, बहुत जल्दी बनता है। मैंने चॉपिंग से लेके कुकिंग तक मुझे टोटल 20 मिनट्स का टाइम लगा हुआ है और ज़्यादा ये नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप इसको आराम से बनाइए, बस बीच बीच में आपको इसको चलाते रहना है, ढक ढक के पकाते रहना है। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया हुआ है, जिसे मैंने रफली चॉप किया हुआ है, वो डाल दीजिए। टमाटर डालने के बाद अभी आप इस पर जो मैं मेन चीज़ डालूँगी वो है दाल, कोई सी भी दाल आप ले लें, बट ज़्यादा अच्छा इस पर लगता है यह मसूर की दाल है। मैं हैंडफुल ऑफ बस एक मुट्ठी मैंने मसूर की दाल ली, जिसे मैंने सोख कर लिया हुआ था, ज़्यादा देर सोख करने का मौका नहीं मिला, मैंने बस 10-5 मिनट धो के सोख कर लिया था। आप अगर उसको 1-2 घंटा और भी पहले से सोख कर लेंगे तो ये और ज़्यादा जल्दी गल जाएगा और आपकी सब्ज़ी ज़्यादा जल्दी बन जाएगी। तो देखिए दाल डाल देने के बाद अब इसको हमें बस ढक के पकाना है। अभी तक भी मैंने फ्लेम हाई ही रखा हुआ था, अब नीचे थोड़ा सा लग रहा था, तो मैं इनफ पानी, जितना ज़रूरत है उतना पानी, मैं करीबन 1 कप पानी दे दी हुई हूँ अब, और इसे मुझे कुछ नहीं करना, बस आपको अपना सॉल्ट एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर लीजिए, बट मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं लगी, बस अब आपको और कुछ नहीं करना, बस इसे ढक के पकाना है।
सब्जी हमारी पूरी की पूरी गल चुकी है, बस हम चेक कर लेंगे कि दाल गली है कि नहीं। जब दाल गल गई तो समझ लीजिए बाकी का और हमें उसका कुकिंग प्रोसेस जो है इमीडिएटली स्टॉप कर लेना है। देखिए दाल गल चुकी है, ये बहुत ही ईजी और बहुत ही क्विक और वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। प्लीज़ ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।